हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट सोनी सिंह। तो आज का मेरा टॉपिक है कि छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाना वोकेबुलरी के साथ, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि छोटे छोटे वर्ड्स को पहले रिमाइंड कराएंगे बच्चों को, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। मैग्नेट के साथ छोटा छोटा आपका क्यू मिलता है, वो आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक पेपर का फ्रेम बनाएं और जिस स्टडी रूम में आप बच्चों को पढ़ाती हैं वहां पे मिनिमम दो वर्ड्स आप वहां पर चिपका दें और उसी वर्ड्स को आप बच्चों को रिमाइंड कराएं। अगर आप एक दिन में दो वर्ड्स अगर रिमाइंड कराते हैं तो आप महीने में 60 वर्ड्स आप बच्चों को रिमाइंड कराएंगे, और 60 वर्ड्स बच्चों के लिए काफी है, उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है पर मंथ। और दूसरी चीज ये कि उसी वर्ड से आप उस जो वर्ड आप रिमाइंड कराएं आप नेक्स्ट इंप्रूवमेंट के लिए करें क्या कि उसी वर्ड से आप बच्चों को सेंटेंस बनाना सिखाएं, छोटे छोटे वर्ड्स को। और इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा एजुकेटेड हो, अगर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा बहुत भी पढ़ी लिखी है तो आप इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट बात ये कि आप अगर आपको वोकैबुलरी नहीं है तो उसका भी एग्जाम्पल क्या करें कि आप यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब से आप सर्च करें छोटे छोटे वोकैबुलरी। अगर आपको यूट्यूब पे नहीं जाना चाहते हैं तो आपका नेक्स्ट वीडियो आप में मैं जल्द ही लेकर आऊंगी, और उस वीडियो से आप छोटा छोटा वर्ड्स और वर्ड्स से कैसे सेंटेंस बनाएं वो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो इसके लिए करें क्या कि आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो आप नेक्स्ट वीडियो आप आसानी से मेरा देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि उस वर्ड कैसे बनाएं और उस वर्ड से सेंटेंस बनाएं कैसे बनाएं। सबसे पहले वर्ड लेते हैं सिंपल सा डू। डू से कैसे बनाएंगे, तो जैसे डॉन, डो, अगेन, क्लियर। तो ये ऐसा वर्ड आप सिलेक्ट करें कि बच्चे हमेशा उसे यूज करें। तो जैसे बच्चे हमेशा गलती करते हैं तो हम उसे हमेशा बार बार बोलेंगे कि डोंट डू अगेन, ऐसा मत करो। तो डू से आप डोंट डू अगेन वर्ड बना लिए। तो हमेशा आप बच्चे के हिसाब से करें, जो बच्चे भी यूज करें और मैं भी यूज करूं। सेकेंड एक बार देख लेते हैं हम इसे कम। बाबू चाहे जो भी आप बच्चे का नाम है, इसे कम हेयर। इसे क्या हुआ कि डू डी ओ भी याद हो गया, कम सी ओ ए भी, कम, और उससे वर्ड भी बना लिए। बच्चे हमेशा पैर इधर उधर करके बैठ जाते हैं तो आप डिसिप्लिन में आप उसे बैठना सिखाएं। तो जैसे सीट, एस आई टी, सीट मीन्स बैठना, उसे क्या बनाएंगे सीट क्रॉस लेग मीन्स पलथी मारकर बैठो। तो ये बच्चे के वर्ड उसके हिसाब से ही है, तो इस तरह के हिसाब से बनाए। इसे दूसरा सीट से बना सकते हैं आप, सिट डाउन। सिट डाउन, तो आप जैसे दो दो ही, मैं तो थ्री कर दे, आप दो वर्ड ही सिलेक्ट करें, दो वर्ड दो सेंटेंस आप पढ़ दे, आप बच्चों को रिमाइंड करें और उस वर्ड को बच्चे के साथ साथ आप भी बोले। इससे क्या होगा कि आपका भी होगा स्ट्रॉन्ग और बच्चे भी बार बार अगर एक ही चीज को बोले तो वह कंप्लीट पूरा क्लियर बोलेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि सुबह में आप सिखा सकते हैं बच्चों के कि पुट ऑन द शूज, नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट, तो आप इस तरह बना सकते हैं फिनिश योर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है गेट अप, तो आप इसका बना सकते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आप उसको बता सकते हैं, या आप दूसरा ये भी बता सकते हैं कि बच्चों को अगर ज्यादा लेट हो रहा है, बच्चे सोए हुए हैं तो आप ये भी बता सकते हैं इट्स गेटिंग लेट। तो आप देख सकते हैं कि जैसे शूज हो गया, तो बच्चे को अगर आप डेली यूज में वर्ड को यूज कर सकते हैं कि पुट ऑन द शूज। ब्रेकफास्ट बच्चे फिनिश नहीं करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि फिनिश योर ब्रेकफास्ट। गेट अप, तो गेट अप को बच्चों को आप सिखा सकते हैं इट्स गेटिंग लेट, हरी अप, इट्स गेटिंग लेट। तो इस तरह के वर्ड्स को आप डेली यूज में
बोल सकते हैं और बच्चों को वोकैबुलरी भी याद करा सकते हैं। तो आप इसी तरह बच्चों को याद कराइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मैं लेकर अपना वीडियो आऊंगी। धन्यवाद।